इसका बढ़िया है ये, बढ़िया टेस्ट होता है। सब चीज़ डाल दो, धनिया साबुत धनिया आ जाता है, धनिया मान लो सब, और चटनी भी हरी होती है मान लो, धनिया पुदीना मिर्ची सभी होता है धनिया। तो 10 रुपये पड़ता खा जाता आपका? अब खाता तो नहीं है, मजबूरी है, लेकिन घर पे खाली बैठनी पड़ेगा, इससे बढ़िया मान लो कुछ तो कर। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फूड जो दिल से के अंदर, और आज हम आपको लेके आए हैं GTB नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पे, और आज हम जो फूड कवर करने वाले हैं, आज हम आपको ऐसे भैया से मिलवाने वाले हैं जिनके पास अपने बैठने के लिए स्टूल तक नहीं है, और ना ही उनके पास कोई स्टॉल है, वो सिर्फ अपना छोटा सा सामान लेके, छोटा सेटअप लेके, एक जैसे कहते हैं ना आप कह सब्वे कह लें या कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ पे अपना स्टॉल लाके बैठे हैं और लोगों को एकदम फ्रेश और गर्मा गर्म फूड खिला रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो प्राइस है, भैया ने प्राइस बहुत नॉर्मल रखा है इसका, आपको 10 रुपये के अंदर यहाँ पे सिर्फ 4 समोसे मिलने वाले हैं, तो रेट में और क्वालिटी में कोई दिक्कत है नहीं। और आप देखिए कुछ छोटा सेटअप है, बहुत बढ़िया लगा मुझे ऐसा कंसेप्ट देख के। ये भी एक जो आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये उसी की मिसाल है कि भैया ने आत्मनिर्भर बने और यहाँ पर ये स्टॉल ला के लगाया, क्योंकि इन्होंने कहते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक छोटा सा स्टॉल, आप देखिए स्टॉल भी नहीं कहेंगे हम इसे, बट एक अपना भैया स्टोव है, ये स्टोव आप देखिए, ये स्टोव है, इसे लेके कढ़ाई लेके ये सीधा रोड पे लगा के बैठ गए हैं। तो करेंगे भैया से बातें और फिर करेंगे फूड की टेस्टिंग और स्वाद की बात करेंगे सीधा टेस्टिंग के टाइम पे। तो लॉकडाउन में कैसा काम रहा? लॉकडाउन में तो भैया जी बहुत हल्का ही काम रहा, चलो बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, मतलब कोरोना ने बहुत ज़्यादा काम, कोरोना ने ऐसा कर दिया मान लो, मैं तो जीरो हो गया जी, मैं का पूरा भारतीय जीरो होने वाला है। ऐसा क्यों जी? अब क्यों का मान लो कोई आ ही नहीं रहा, ग्राहक ही नहीं, कोई समोसे ही नहीं खा रहा, कुछ खाता ही नहीं मान लो, सारी जनता मान लो अपने अपने गांव चली गई। अच्छा अच्छा, दिल्ली में कोई भी नहीं, दिल्ली पूरी खाली हो गई। तो उससे क्या आपके काम पे फर्क पड़ गया? बहुत सारा ही काम पड़ गया जी फर्क। तो पहले भी ये लगाते थे कुछ अपना कुछ? पहले मैं रेडी लगाता था, रेडी मान लो चली नहीं, फिर मान लो ये लगा दिया मैंने, अब ये भी स्लो ही चल रहा है, कोई इसमें खास काम नहीं होता। 300 समोसे लाता हूँ, किसी दिन खत्म हो जाते, किसी दिन बच जाते, वो भी 300 समोसे भी आजकल बिक नहीं पाते, बिक नहीं पाते, काम की बहुत दिक्कत चलती है। हाँ जी बहुत ज़्यादा जी। तो दिल्ली में अपना मकान है, किराए नहीं, किराए पे रहता जी, 2500 रुपये किराया है प्लस बिजली, 2500 किराया। हाँ जी। और अकेले है फैमिली वगैरह? नहीं अकेले ही रहता हूँ, यहाँ तो जी मैं तो काफ़ी मुश्किल होता होगा ये तो फिर? हाँ बहुत ज़्यादा ही, किराया निकालना मुश्किल हो जाता है जी। तो फिर कैसे सर्वाइव कर पा रहे हो? अभी इसी में गुजारा चला रहा हूँ जी। हाँ हाँ, धीरे धीरे चल रहा है, अभी नहीं होगा तो मकान मालिक को मैं बाद में दे दूँगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी पूरा किराया नहीं दे पा रहा मकान मालिक को, भी घर से भी फ़ोन आते हैं पैसे के लिए, पैसे डाल दो, घर पर भी पैसे नहीं डाल पाता मैं, मतलब काफ़ी दिक्कतें चल, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई जी। अच्छा आपके पास तो मतलब कोई स्टॉल हुआ कुछ, मतलब कोई जुगाड़ी नहीं है? कोई जुगाड़ी नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, जो जुगाड़ होता है वही लेके आप यहाँ बैठे। अब पैसे आए तब जुगाड़ आगे कराए जाए, पैसे ही नहीं आ रहे जी। पैसे नहीं? हाँ जी। चलो जो आने वाले टाइम होगा बहुत अच्छा होगा बिल्कुल। तो ये समोसे आप लेके आते हो? हाँ जी। ये घर से बना के लाते हो फिर यहाँ पे बनाते हो? नहीं घर से बना के लाता हूँ, यहाँ पर तल तल के देता हूँ जी, तल तल के 10 रुपये प्लेट देता हूँ, 4 पीस होते हैं समोसे के, 10 रुपये के 4 समोसे। हाँ जी। तुम्हारे समोसे ना एकदम होते हैं ना, जो चॉकलेट समोसा होता है, हाँ एकदम छोटा समोसा। हाँ जी बढ़िया बिल्कुल जी। अरे लोग यहाँ पे जो इस फूड को खा रहे हैं उन्हें मतलब समोसा खाने मज़ा भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर आदमी आ रहा है, गाड़ी से उतर रहा है, बिल्कुल टेस्ट इसका बढ़िया है, बढ़िया टेस्ट होता है। सब चीज़ डाल दो, धनिया साबुत धनिया आ जाता है, धनिया मान लो सब, और चटनी भी हरी होती है मान लो, धनिया पुदीना मिर्ची सभी होता है धनिया। तो 10 रुपये पड़ता खा जाता आपका? अब खाता तो नहीं है, मजबूरी है, लेकिन घर पे खाली बैठनी पड़ेगा, इससे बढ़िया मान लो कुछ तो करते रहो, दाल रोटी चल रही है थोड़ी थोड़ी, चल रही थोड़ी थोड़ी। हाँ जी। तो कितना कमा लेते हो अभी? कमाने का तो भैया जी 200 रुपये मुश्किल में होते हैं, 200 रुपये डेली के कमा पाते हैं? हाँ जी, बड़ी मुश्किल में 200 रुपये कमा पाता हूँ। और फिर किराए का मकान है? किराए का मकान है, 2500 प्लस बिजली, 2500 रुपये किराया और 2500-1500 रुपये प्लस बिजली के पैसे। हाँ जी बिजली प्लस। तो काफ़ी दिक्कतें तो आती होंगी मेरे हिसाब से? बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या सोचा आगे जाके, यही करना है या कुछ काम बदलना है कैसे? अभी तो फिलहाल में यही सोचा है कि कोचिंग खुल जाएगी तो मेरा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सामने पैरामाउंट की कोचिंग है, कोचिंग खुलते ही काम सही हो जाएगा। कोचिंग खुलने से काम में फर्क पड़ जाएगा? हाँ बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा, मेट्रो ही खुल जाए, ये 2 नंबर गेट है, मेट्रो भी बंद पड़ी हुई है। नहीं 2 नंबर गेट बंद है, ये खुल जाए ना तब भी फर्क पड़ जाएगा जी। अच्छा अच्छा। और बच्चे बच्चे का दिल्ली या गांव? नहीं गांव में रहते वो तो जी सब। तो दिल्ली में ले आओ उनको भी यार, अब मेरा भी नहीं खर्चा हो रहा, उनको कैसे लेके आएंगे जी? अरे काफ़ी दिक्कतें आ रही है, बहुत ज़्यादा ही आ रही है जी। देखो ऐसा नहीं है कि कोरोना काल के अंदर हम ही डिस्टर्ब हो, एक जो छोटा फूड वेंडर है ना, जो बिल्कुल जो रोड पे आपको दरबार समोसे के मिर्ची खिला रहा है या दही पल्ले कैसे तो जो भी, हर व्यक्ति कोरोना काल के बहुत परेशान हुआ है। और अब आपको क्या बताऊँ, आप
हम क्वालिटी या फूड की बात नहीं करने वाले, क्योंकि भैया लोगों को जो भी खिलाए फ्रेश खिला रहे हैं एकदम। आप एक बार तेल देख लेते हैं जो ऑयली यूज़ कर रहे हैं। हम बढ़िया वाला तेल लगाते हैं, 110 रुपए का आता है, रथ घी है जी। रथ घी लगाते हैं? हाँ जी। रिफाइंड यूज़ नहीं करते? रिफाइंड नहीं करते, रथ वाला होता है बढ़िया, 110 रुपए किलो आता है। अरे मैंने देखा कई लोग क्या होता है ना, पर काला काला सा, कई लोग काला डालते, हम तो फ्रेश इसलिए खिला रहे, मेरा काम थोड़ा चल जाए। अच्छा काम चल। हाँ जी, मैं ऐसे ही शुरू तक खिलाऊंगा, और ऐसे शुरू तक खिलाऊंगा। मान लो इसमें आपको लॉस हो गया, फिर क्या करोगे आप? लॉस होगा तब भी मान लो कुछ तो मिलेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, तो दुकानदारी बढ़ेगी तो काम तो अपने आप मान लो बचत दिखेगी मेरे को। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मतलब अभी आपका क्या मेन मोटिव क्या है कि आपका काम बढ़ जाए? काम बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं काम बढ़ने के बाद क्वालिटी हल्की करोगे? क्वालिटी हल्की कभी नहीं करेंगे। पहले मान लो दुकान थी तब भी मान लो सेम जैसे ही चला था, लेकिन वो तो मान लो मजबूरी में छूट गई थी मेरी। दुकान थी पहले? हाँ, पहले कहाँ पे? बेरसराय में। बेरसराय? बेरसराय। हाँ जी। तो फिर उसका क्या हुआ दुकान? उसका दुकान इसलिए छूट गई थी, घर पे थोड़ी दिक्कत आ गई थी। अच्छा। तो इस वजह से मैं शटर डाल के चला गया था, 5-6 महीने में आया था। अच्छा अच्छा। तो मान लो मकान मालिक को मेरे को पैसे भी मिले थे 60,000 रुपए, लेकिन फिर मैं वापस फिर चला गया था। अच्छा, लेकिन मैंने दुकान नहीं करी थी, अब उस इलाके में रेडी नहीं लगा पा रहा था। अच्छा, शर्म सी लगती थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने इस इलाके में रेडी लगाई थी पराठे की। तो टोटल मिला के आप अपने ये काम शुरू कर दिया, कितने दिनों के लगाते हुए? इसको मान लो हो गए करीबन 15-16 दिन हो गए जी। 15-16 दिन। देखिए जैसे आपने दिल्ली के अंदर बाबा के ढाबे को फेमस किया था, हाँ जी, वैसे हम लोग ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर ढूंढ रहे हैं जिनको सच में आजकल काम की बहुत जरूरत है। तो आप लोग एक बार यहाँ पे आके इनके जो गरमा गरम समोसे खिला रहे हैं, 10 रुपए के चार? 10 के चार देते हैं। 10 रुपए के चार समोसे? अगर आपको समोसे पसंद नहीं आता पैसे नहीं लेंगे जी, पैसे वापस हो जाएंगे। पैसे वापस? हाँ जी। देखिए अगर आपको समोसे पसंद नहीं आता ना, तो आप खाने के बाद पैसे वापसी ले सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हम लोग भी पूरी फूड ट्राई कर लेते हैं इनका। फिर किस टाइम लगाने आते भैया ये? शाम को 4 बजे आते हुए जी, और शाम को 8 बजे तक रहता हूँ। 8 बजे? हाँ जी। दिल्ली दिल्ली वालों को गर्मा गर्म फूड खिला रहे हैं? बिल्कुल गर्मा गर्म लेता हूँ। और लोगों को पता है खाने मजा आएगा? मजा आ रहा है। अभी ठंडी ठंडी हवा स्टार्ट हो गई। हाँ जी। जैसे जैसे ठंड पड़ेगी ना, हाँ, वैसे वैसे लोग गर्मा गर्म फूड खाना पसंद। गर्म गर्म देंगे जी, हाँ, गर्मा गर्म खिलाने वाले। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो ठीक। तो अभी हमने भैया, भैया आपका नाम क्या था? राम नरेश वर्मा। देखो राम नरेश जी, हमने बातें करी उनसे, बात करने में मुझे मजा आया। और आप ना इनका फेस देखो, इनके फेस पे ना बिल्कुल भी शिकन नहीं है, और एक स्माइली से फेस कहते हैं ना कि जिसके चेहरे पे हमेशा रौनक रहे, तो एक कुछ इनका फेस वैसा ही बना हुआ है। तो अपने लिए फटाफट से समोसे लगवा लेते हैं, और क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, फ्रेश फूड है, और 10 रुपये के अंदर चार मिल रहे हैं भैया। मैं तो कम से कम 80-90 खा लूँगा आज, क्योंकि फूड सच में बहुत बढ़िया है। तो भैया बहुत देर हो गया उसे बनाते हुए, ये हमारी प्लेट लगा दो आप। अच्छा, मुझे ना समोसे बड़े मस्त लग रहे हैं ये। अच्छा, छोटे छोटे समोसे हैं। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, इसमें दे रहे हैं आप ये हरी चटनी है? हरी चटनी है, धनिया पुदीना वाली। अच्छा, ऐसे समोसे ना मैं जब स्टडी कर रहा स्कूल के अंदर ना छोटा था, तो मैं जब खाया करता था, तो भैया आप तो ना मुझे जो मेरा 20 साल पहले का टाइम था ना वहाँ ले गए, क्योंकि ऐसे समोसे हमें तभी मिलते थे। आप देखिए छोटा समोसा है, और इस टाइम भी सिर्फ 10 रुपये के अंदर आपको 4 समोसे दे रहे हैं, और ये जहाँ बैठे हैं ना, ये बैठे हैं जीटीबी नगर के अंदर, आपको 10 रुपये के अंदर 4 समोसे मिलने वाले हैं। तो उसे बचपन टाइम में जाते हैं और करते हैं इसकी टेस्टिंग। गर्म बहुत है भैया इधर यार, गर्मी गर्मी खिलाते हैं। तो आपको ना यहाँ समोसे गर्म मिलने वाले हैं, लेकिन माहौल ठंडा है, मतलब जो मौसम है वो ठंडा है और माल गर्म है, और रेट भी ठंडा ही है। तो आप मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तो थोड़ा सा खाऊं या पूरा खाऊं, क्योंकि है बहुत छोटा सा ये, तो पूरी बाइट ले लेते हैं इसकी एक। चटनी ना तीखी, बहुत तीखी स्पाइसी है। स्पाइसी बनाती है समोसे के साथ में, स्पाइसी मांगते। अच्छा अच्छा, फूड खाएंगे ना तो अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि ना एक तो चटनी स्पाइसी है ही। धनिया इस टाइम मान लो 250 रुपये के लोटे में मैं धनिया डालता हूँ। अच्छा, आपके फ्लेवर भी आ रहे हैं। हाँ। अरे भैया क्या क्या मिलाते समोसे में, क्या क्या मिलाते हो आप? समोसे में सारे मसाले होते हैं, मिर्ची, धनिया, साबुत धनिया, जीरा, तीरा सब डालता हूँ। अच्छा अच्छा, करके लाता हूँ मतलब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। स्वाद बढ़ाने के लिए आप देखिए, और ना समोसा ना बहुत क्रिस्पी है, आप यकीन मानिए मुझे खाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है भैया। ऊपर देना। अच्छा। एक प्लेट दे दो चटनी में देना। अच्छा। मैं आपको समोसा दिखा दूँ, आप देखिए समोसा छोटा भी है, और दूसरा मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, आप देखिए गर्म बहुत है भाई, भगवान कसम मुझसे तो थोड़ा भी नहीं जा रहा, आप देखिए
अंदर फिलिंग देखिए आप, इसमें एकदम नॉर्मल है, ऐसा नहीं है बहुत स्पाइसी हो, लेकिन कलर बहुत बढ़िया है, एकदम गोल्डन कलर का बहुत छोटा सा बढ़िया सा समोसा, और जो आपको आपके मुंह में जाने के बाद आपको एक बढ़िया फीलिंग देने वाला है, क्रिस्पी भी है, स्पाइसी भी है और क्रंची भी है। तो मैंने आप थोड़ा आपको दिखाई दिया और साथ में चटनी दी थी, तो एक बार खा लेते, सच में स्वाद बहुत बढ़िया है इसका। स्वाद के मामले में भैया बहुत मज़ा आ रहा है, इतना बड़े समोसा आप बनाते कैसे हो? तो बनाते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़े तो जल्दी बन जाते हैं, छोटे वाले बनाने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत भी होती होगी लेकिन टाइम भी लगता होगा, टाइम भी लगता है, लेकिन मैं किसी काम में मान लो 2000 से लगाऊँ ना, तो सारा एक्सपीरियंस है मुझे। अच्छा, सारा एक्सपीरियंस है आपको? हाँ, सब कुछ है, मतलब पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस इस समोसे अंदर आपने डाल रखा है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप लोग भी ऐसे जो फूड वेंडर्स हैं उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की इन्हें बहुत ज़रूरत है। ये रोड साइड पर लगा रहे हैं, उसके बाद ये लोग यकीन मानिए कि स्वाद एकदम ज़बरदस्त स्वाद है, बहुत औसम स्वाद है। ऐसा नहीं है, ये अगर रोड पे लगा रहे हैं तो आपको क्वालिटी में कहीं भी कोई इशू होगा, क्वालिटी ज़बरदस्त है, रेट भी ठीक है, क्वालिटी बढ़िया है, फ्रेश ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे छोटे वेंडर्स को आप लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि बेचारे अकेले रहते हैं, किराया निकालना मुश्किल होता है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो वीडियो वायरल होगा, वायरल होगा तो इनका बिजनेस बढ़ेगा, तो इनकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहेंगी। तो लास्ट एक बाइट ले लेते हैं, और आप बढ़िया भाई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नई जगह, नए स्वाद, नए टेस्ट के साथ। थैंक यू, यू आर वॉचिंग आर यूट्यूब चैनल फूड तो दिल से। थैंक यू सो मच।